We are live. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Welcome to Let's Rise live session. Aaj hum dobara se, we are back with the another amazing live session. Aur aaj hamare saath ek dynamic lady hamare saath maujood hai, Maryam Faisal Amin. So aaj ka jo discussion hai, wo bahut maze ka hone wala hai. So before I formally begin the session and the topic, हम मरियम को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवाते हैं. मैं खुद इनकी इतनी बड़ी ह्यूज फैन हूँ. इतनी मल्टी टैलेंटेड डायनेमिक लेडी हैं मरियम फैसल. इनका अगर मैं बहुत ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूँ तो वो होगा कि मरियम फैसल अमीन इज अ सर्टिफाइड लाइफ कोच एंड अ ट्रेनर एंड बाय प्रोफेशन शी इज अ फैशन डिजाइनर एंड शी हैज बीन इनटू फैशन इंडस्ट्री सिंस लाइक 2005 एंड एक्सपोर्टिंग हर लेबल सिंस देन. और she is also a Lean Pakistan Education Circle's head and she is educationist, counselor and a teacher. So multi-talented profile hai inka, Maryam ka. And I'm sure Maryam, maine kuch miss na kiya ho, and welcome on board on Let's Rise platform. बिस्मिल्लाह रहमानी, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. सबसे पहले मैं भी बोलना चाहूंगी कि अस्सलाम वालेकुम एवरीवन. और मरियम, वी आर ऑनर्ड कि आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आई, क्योंकि वो जैसे जैनब ने बताया कि माशाल्लाह से जब हम सोशल वर्किंग में की बात करते हैं कि सोशल वर्कर्स के ऊपर, या हम वेल बीइंग की बात करते हैं तो उसकी मूवमेंट चलाने से लेके ट्रेनर, टीचर, एवरीथिंग, तो यू नेम इट, और मरियम फैसल अमीन ने वो सारे काम किए हुए हैं. और माशाल्लाह इतना डायनेमिक प्रोफाइल है, मतलब फ्रॉम फैशन डिजाइनिंग टू अ सोशल वर्कर टू यू नो एजुकेशनिस्ट, काउंसलर, लाइफ कोच, मतलब सब कुछ है आप. बिल्कुल. जब मैं इनसे फर्स्ट टाइम मिली थी तो मैंने इनसे यही पूछा था कि आप क्या नहीं है ये मुझे बताएं, क्योंकि इन्होंने जब मुझे अपना वो दिया था तो मैं आई वाज लाइक ओ वाओ, मतलब सीरियसली. तो आज का टॉपिक भी बहुत इंटरेस्टिंग है हम लोगों का, कि सक्सेस इज अ प्रोसेस नॉट एन एक्टिविटी. और उसपे हम चाहेंगे कि मरियम जो है वो थोड़ी अपनी थोड़ा उस टॉपिक का भी बताए, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी जर्नी चाहेंगे हम मरियम आपसे पता करना, स्पेशली हमारे ऑडियंस चाहेंगे कि आपकी जर्नी स्टार्ट कैसे हुई, लाइक आपने इतना लंबा सफर जो बहुत जल्दी तय किया तो किस तरह से किया. तो फर्दर हम आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, प्लीज आप थोड़ा कुछ बताए इस बारे में. आपने कुछ ज्यादा ही मेरी तारीफें कर दी हैं. आई एम रियली रियली ऑनर्ड. जहां तक आपने बात की कि मैंने इतनी सारी चीजें कैसे कर ली, उसके पीछे बहुत सारी स्टोरीज हैं. कट द स्टोरी शॉर्ट. मैंने शुरू किया था एज अ टीचर, बट उसके बाद आई केम इनटू द फैशन इंडस्ट्री. एंड फैशन इंडस्ट्री में रहते हुए मैंने टीचिंग नहीं छोड़ी. मैं उसमें एक मुस्तकिल कोर्सेज करती रही, काफी सारे मेंटल हेल्थ पे भी करती रही, काउंसलिंग पे करती रही, खान यूनिवर्सिटी से, रेनाउंड यूनिवर्सिटी से ऑनलाइन सर्टिफिकेट देती रही, क्योंकि एक फैशन मेरा वो सिखाने वाला जो था वो अंदर बहुत ज्यादा था और एक डिजाइनिंग का भी था. तो मेरे साथ मेरी हमेशा से रहा है कि आई लाइक टू एक्सप्लोर डिफरेंट. इस सिलसिले में ये हुआ कि मैंने एक एक करनी शुरू की और अल्लाह का करम था माशाल्लाह, और अम्मा अब्बा की मेरी बहुत सारी दुआएं थी और बहुत सपोर्ट था शादी से पहले, हम पेरेंट्स का, शादी के बाद इन लॉज का. आई कुड डू मेनी थिंग्स. सो व्हेन आई स्टार्ट, जब इंडस्ट्री में आई, फैशन इंडस्ट्री में, तो मैंने स्टार्ट ये थी किया था कि लोग लोकली शुरू करते हैं, मैंने इंटरनेशनली भी शुरू किया. आई स्टार्टेड टू एक्सपोर्ट माय लेबल आउट. उसके बाद फिर मैं लोकल मार्केट में आई एंड देन आई स्टेड क्वाइट सम टाइम देयर. उसमें बहुत सारे यू नो आई हैड अप्स एंड डाउन, बहुत सारी चीजें सीखी, एक्सपीरियंसेस थे, बहुत कुछ शुरू किया था, क्योंकि आई स्टार्टेड बाय डूइंग शूज बैग्स एज वेल, ज्वेलरी, अपहोजरी एंड मेंस वेयर, किड्स वेयर. फिर मैंने प्रेड किया, तो
आई डिड ऑल द थिंग्स एंड देन आस्ते आस्ते मैंने चीजें कट डाउन करके अपने आप को थोड़ा सा समेटा कि मैंने सोचा मैं बहुत ज्यादा टू मच आउट पोरिंग आउट द प्लेट. सो उसके बाद देन इसी दौरान मैंने अपने आई डिड लॉट ऑफ कोर्सेज ऑन काउंसलिंग एंड लाइफ कोच. क्योंकि जब मैं एज अ डिजाइनर काम कर रही थी तो मेरे पास जब क्लाइंट्स आते थे तो इट वॉज लाइक अ नेचुरल थिंग इन बॉर्न थिंग गॉड गिफ्टेड दैट पीपल यूज टू स्टार्ट डिस्कसिंग देयर थिंग्स विद मी. You know, मुझसे एडवाइस मांगने लगे तो मैंने कहा अच्छा. और वो डिजाइनिंग की बात किसी और चली जाती थी होता था मेरे साथ तो मैंने कहा वाई नॉट स्टडी दिस एज वेल. इनवॉल्व तो था ही लेकिन करी रही थी काफी अच्छे से करी थी तो मैंने आई स्टडीड इट एज वेल. तो माशाल्लाह अल्लाह ताला ने कुछ ज्यादा ब्लेस कर दिया और बहुत सारी चीजें करी. सोशल वर्क भी किया. आई I gave ghusl to the descendants. That's one thing I do. This is the charity work I do. And I did it, started because of my parents. I started that. And training I have been giving because one-on-one session as a life coach I've been giving. And there's so much. There's a lot of things to share and there's too many things to share. But मैं यही अभी सुन के मुझे हो रहा था कि मुझे आप माशाल्लाह माशाल्लाह इतना इतनी चीजें हैं ना. मैं अभी जैनब को मैं यही बता रही थी कि अगर हम आपकी अचीवमेंट्स पे और उस पर बात करेंगे तो हमको मेरे ख्याल से उसके लिए एक अलग सेशन भी रखना पड़ेगा. लाइक माशाल्लाह यू आर सच एन इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस. मैंने माशाल्लाह से मुझे आईबीए में दो दफा डेट एंड कुड गो एंड यू नो कंडक्ट वर्कशॉप्स विद डॉक्टर हसन एंड दैट वाज अनदर एक्सपीरियंस. मैंने हाल ही में उनके साथ टाइपोलॉजी पे काम किया था. उसके बाद मैंने टीचर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम में विद टाइप के साथ मैंने उनके साथ काम किया था. मैं उनके साथ तो एक ये भी ऑनर था मेरे लिए. और देन मैं एसडीजी के साथ ज्वाइन हुई और इसी साल मुझे आई वाज अवार्डेड एज अ मेंटोर एज वेल. सो देयर आर लॉट ऑफ और मैं यही कहूंगी कि इसमें जबरदस्त. अच्छा हम अगर टॉपिक की तरफ आए क्योंकि मेरे पास क्वेश्चंस आ रहे हैं लोगों के और काफी लोग सलाम दुआ भी कर रहे हैं हेलो हाय कर रहे हैं तो हम एक इज्तिमाई सलाम और वालेकुम सलाम और हेलो एवरीवन वेलकम. इट इज लवली टू सी यू ऑल हियर टू जॉइन अस टुनाइट एंड टू हियर मी आउट. आई एम ऑनर्ड. बिल्कुल बिल्कुल. अच्छा अच्छा हम टॉपिक पे बात करना स्टार्ट करते हैं. बिल्कुल क्योंकि टॉपिक पे स्टार्ट करते हैं. यस बिल्कुल. मैं ये पर्स इधर से शुरू करना चाह रही थी मरियम. मुझे बहुत इंटरेस्टिंग जो चीज लग रही थी लाइक के व्हाट डज सक्सेस रियली मीन टू यू. मतलब मैं आपसे सुनना चाह रही थी कि आपकी डेफिनेशन सक्सेस की क्या है. As you know, the topic is very strong. Success is not a process. It's not an activity or an event. It's a process. बहुत से लोग सोचते हैं कि success ऐसा है कि आप रातों रात कहीं एक level पे पहुंच जाएंगे और लोगों के goals भी नहीं होते. तो it takes a lot of time and experiences. You know, you have to go through a lot of hardship and you know there are a lot of things. वरना आप उस सक्सेस पे नहीं पहुंचते. तो इट्स नॉट एन एलिवेटर. ये कोई लिफ्ट नहीं है, कोई एलिवेटर नहीं है जिसपे आप सवार हुए और आप टॉपलेस पहुंच गए. इट इज एक्चुअली और आपको स्टेप बाय स्टेप चलना होता है. मेरे व्हाट आई फील इज इट्स एन आइडिया ऑफ नर्चरिंग एवरी सेकेंड. यू नो व्हाट लीड इट इज इम्प्लीमेंटिंग दैट आइडिया. आपके पास अगर कोई आइडिया है तो उसको इम्प्लीमेंट करें इन टू रियालिटी. यू नो तो ताकि वो आप उस सक्सेस लेवल पे पहुंच सकें. Because it's a whole process. You need to set your goals. To be patient. You need to actually have. You have to experiment. आपको चीजों के साथ experiment करना पड़ता है. अगर आपको लगता है कि आप बहुत से लोग गलत फैसले कर लेते हैं. Like for example, like I'm a teacher.
आई मीन मुझे लोग कहते हैं यू आर इन बॉर्न टीचर. अब मैंने अपने टीचिंग के साथ मैंने डिजाइनिंग का शौक, क्योंकि वो मेरा पहले से पुराना था तो मैंने किया था, लेकिन देन आई थॉट के आई एम मोर इंटरेस्टेड इन टीचिंग पीपल रादर देन डिजाइनिंग. तो आप एक जगह फंसते हैं, आप एक जगह रुक ना जाएं. अब वो जो एक स्टैगमेंट हो जाता है ना कि आपके दिमाग में बैठा हुआ कि नहीं डिजाइनर तो मुझे इसी में कुछ नहीं हो रहा, आपके नुकसान हो रहे हैं या बिल्कुल. तो आपको एक्सपेरिमेंट करना बहुत जरूरी होता है. तो आई फील मेरे नजर में इट इज एक्सपेरिमेंट टू रीच टू योर गोल्स एंड मेंटेन इट एज वेल. तो वो मेंटेन करना भी और फोकस रहना और कमिटेड रहना भी एक चीज है जो अक्सर लोग नहीं कर पाते. तो दिस इज व्हाट आई थिंक बिल्कुल सक्सेस उसमें ये भी होता है मेरे ख्याल से मरियम, क्योंकि बहुत जरूरी है कि वो कंसिस्टेंसी होने की बहुत जरूरत है. लाइक पैशन के साथ यू नीड टू बी कंसिस्टेंट ऑल्सो कोई भी चीज. और वो हम लोग का एक वो है ना कि एग्जैक्टली सदफ एंड मरियम राइटली सेड. जी जी, मैं बस ये बात कर रही थी कि मरियम ने बहुत अच्छे से सक्सेस को एक्सप्लेन किया. एंड अगर मैं सक्सेस को देखूं तो मुझे लगता है कि सक्सेस अगेन इट्स अ ऑन गोइंग प्रोसेस. हम कोई एक शॉर्टकट या कोई पिन पॉइंट फॉर्मूला नहीं है सक्सेस का कि आपने ये कर लिया तो यू नो यू विल गेट सक्सेसफुल. सक्सेस इज जस्ट लाइक अ रिवर. इट्स यू नो इट्स ऑन गोइंग थिंग. आप एक स्टेप पे पहुंचते हैं देन यू मूव ऑन टू अनदर स्टेप. एक माइल स्टोन के बाद दूसरा माइल स्टोन. एग्जैक्टली. हम एक उस एक पे चढ़ के फिर लास्ट वाले पे पहुंच जाएं तो वो नहीं हो सकता. हम शॉर्टकट्स ढूंढते हैं. बिल्कुल शॉर्टकट्स ढूंढते हैं. बिल्कुल. लाइक मरियम मुझे ये बताएं कि ये होता है ना. जी मैं ये पूछ रही कि मरियम श्योर श्योर मरियम आप ये बताएं कि आपने अपना सक्सेस को डिफाइन किया. आप हमारे व्यूअर्स को ये बताएं कि सक्सेस तो डिफाइन हो गई, अब सक्सेस को अचीव करने का या जो स्टेप बाय स्टेप हम प्रोसेस को फॉलो करते हैं, हाउ वी कैन अचीव दिस सक्सेस. देयर आर मेनी वेज ऑफ डूइंग दैट. सबसे पहला तो ये है कि टू फोकस ऑन कमिटमेंट नॉन मोटिवेशन. क्या कहते हैं, हम बहुत ज्यादा मोटिवेटेड हो जाते हैं और मोटिवेशन के चक्कर में हम कमिटमेंट को भूल जाते हैं. तो फोकस को भूल जाते हैं कि हमें फोकस भी रहना है कि आपके क्या गोल्स हैं. यू नो इट्स नॉट अबाउट just how committed you are. It's not even about how important it's for you. It is what you are willing to sacrifice for it to achieve that. It is actually I feel ki motivation follow karta hai aapko. Matlab like you know if you find yourself fully committed, motivation will follow you. You have to devote yourself, you know, for reaching that goal of yours. For that need कि आपके क्या गोल्स हैं और आपने क्या, अगर आपने किसी कंपनी का सीईओ बनना है तो उसके स्टेप्स हैं बनने के लिए. आप ये नहीं सोच सकते मैं रात और रात सीईओ बन जाऊंगा उस कंपनी. There are no shortcuts. It's like you should devote at least 15 minutes a day to yourself to change set realistic goal. अच्छा goals का भी ये होता है कि आप ऐसे नहीं goals set करें कि जी वो जो achieve ही ना हो वो इतने realistic जाना है मुझे. हाँ मतलब मैं ऐसे 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 सोच रही हूँ. Oh my God मेरा तो goal ये है कि मैं moon पे पहुँच जाऊँ. Your goals have to be realistic as well, you know, according to your surroundings. बिल्कुल passion और आपका passion है जिसमें आपकी expertise है उसको आप combine करके फिर अपने goal को set करते हैं ताकि you know आपका success की journey आसान हो जाए. बिल्कुल जी सदा. बिल्कुल आप क्या कहेंगे. बिल्कुल बिल्कुल सही बात है. और एक चीज और भी मैं इसमें ऐड करूंगी मरियम, शायद मेरी बात को करेक्ट करना अगर आई एम रॉन्ग, कि वो होता है ना कि हम लोग एक उसमें रहते हैं कि अभी हम रेडी होंगे देन वी स्टार्ट आवर जर्नी. वो जो रेडी होने वाले का जो हम वेट कर रहे होते हैं ना, इट्स नेवर मतलब वो चीज. ओके ओके देन कैरी ऑन प्लीज. इसी को आप आगे लेके चले. मरियम 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 कार में बैठ जाते हैं कि हमारे पास तो आ रहा है. वी कांट एक्सपेक्ट समवन टू पुट इट एंड सेट इट अप इन अ ट्रे एंड गिव इट टू यू के जी ये ले ये तैयार है.
तो यू हैव टू प्रिपेयर एंड यू हैव टू एक्चुअली ये होता है कि आप जो मैंने आपसे कहा ना कि एक्सपेरिमेंट यू हैव टू एक्सपेरिमेंट, इसीलिए वर्ड यूज किया था कि आप ये नहीं सोच सकते कि जी मैं मुझे कोई ला के दे देगा मेरे लिए कर देगा, आपने खुद से करना होता है, गोल्स आपके हैं, आपका पैशन है, आपकी आपकी वो चाहत है कि आप वो चीज करें एंड यू कांट एक्सपेक्ट कि अदर्स आपको करके दे दें, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इंतजार नहीं करें, कोई चीज है तो उसको एक्सपेरिमेंट करें, अगर आपको लगता है कि दिस इज नॉट मेड फॉर यू जस्ट लीव इट, बिकॉज इंसान की बहुत सारी होती है आपके दिमाग में, एक चीज नहीं होती, यू हैव अल्लाह ताला हैज गिवन यू सच अमेजिंग ब्रेन, यू हैव सो मेनी थिंग्स इन योर ब्रेन, यूज दैट, वन थिंग इज नॉट वर्किंग आउट ट्राई दैट, इट्स लाइक वेरी फ्यू पीपल आर एक्चुअली एबल टू गेट व्हाट दे रियली वांट, बट देन अगेन वी ऑल नीड एनकरेजमेंट एंड सपोर्ट थ्रू आउट द जर्नी ऑफ चेंज, मे बी कुछ लोगों के लिए दोस्त होते हैं जो आपको मशवरा अच्छा देते हैं, कुछ लोगों के लिए पेरेंट्स अच्छा देते हैं, कुछ लोग आपकी सराउंडिंग्स में यू नो होते हैं जो आपको मशवरा देते हैं, तो यू शुड हैव दैट काइंड ऑफ सर्कल आल्सो, जो आपको अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं किसी चीज में तो आप मशवरा ले लें, और आजकल तो काउंसलर्स और लाइफ कोच और माशाल्लाह वी हैव सो मेनी थिंग्स पाकिस्तान जो पहले नहीं थे, जो आपको हेल्प आउट करते हैं इन अचीविंग योर गोल्स, कहीं क्योंकि हम कभी कभार स्टैग्नेट हो जाते हैं, हम एक जगह फंस जाते हैं वही यू नो में रह जाते हैं और फिर आप मूव ऑन नहीं कर सकते, तो you need help, you need people around to positive people around to help you out in taking making the right decision. बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, वो मेंटोर्स और काउंसलर्स और कोच की हमें जरूरत होती है. अच्छा मरियम, ये एक सवाल आया है सैयद फैजान अहमद का, एंड ही इज आस्किंग कि आर यू सक्सेसफुल इन योर लाइफ जर्नी, इफ यस व्हाट सक्सेस मींस टू यू. एक तो मैं इसका पार्ट कर देती हूँ कि सक्सेसफुल तो माशाल्लाह से अभी हमने बताया कि मरियम बिल्कुल वी हैव ऑलरेडी आंसर्ड दिस क्वेश्चन, मेरे ख्याल से हमने बहुत डिटेल में मरियम ने डिस्कस कर लिया है. अच्छा हमारे पास एक दो क्वेश्चन और हैं, मेरे ख्याल से उसको ले लेते हैं फिर उसके बाद देखते हैं. एक क्वेश्चन है मोहसिन अली का, इज देयर एनी एंड टू दिस प्रोसेस. सो आई डोंट थिंक सो, इट्स अ ऑनगोइंग थिंग, जहां एंड हो गया ना सक्सेस का वहां पर आपकी फिर डेथ है, डेथ मेरे ख्याल से एंड टू योर सक्सेस. आई वुड लाइक टू पुट इन, देखिए प्रोसेस क्यों नहीं खत्म हो सकता, आपको मैं छोटी सी मिसाल ये देती हूँ, कुरान शरीफ है उसमें बहुत चीजें रिपीट हो रही है मुस्तकिल और आप सालों तक पढ़ते हैं, और वो एक आप हर दफा जब पढ़ते हैं तो आपको एक नई चीज आपको यू एक्चुअली एक्सप्लोर एंड यू फाइंड आउट कि ओ मैंने ये पहले क्यों नहीं पढ़ा, तो ये दिस इज समथिंग व्हिच इज नेवर एंडिंग, यू कांट स्टॉप, जहां आप रुक गए वहां आपका देन देयर इज नो मीनिंग टू योर लाइफ, देयर इज नो मीनिंग टू योर पर्पस, देयर इज नो मीनिंग टू योर सक्सेस. So it, everything is full package. It's a whole package. You cannot think of कि इसका process रुक जाना चाहिए. That's abnormal. I think that's not a correct thing. इसीलिए हमारी lifeline भी यूँ है ना मरियम, like हमारी lifeline भी यूँ हो तो सही है, straight हो जाते हैं तो that means we. perfection नहीं हो सकता, आप फेलियर्स भी होते हैं जिंदगी में और आपके पास बहुत अच्छा वक्त भी होता है, बहुत बुरा. आई हैव सीन ऑल एंड आई हैव सैक्रिफाइस्ड अ लॉट टू इन माय लाइफ एंड आई फील आई एम ब्लेस्ड वेयर एवर आई एम, अल्हम्दुलिल्लाह आई फील ग्रेट अबाउट माय अचीवमेंट्स. फेलियर्स के बारे में भी मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि उस फेलियर से मैंने बहुत कुछ सीखा है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप उससे नेगेटिविटी से भी पॉजिटिविटी निकालें और आप उसमें से कुछ अच्छा सीखें, क्योंकि इट इज एक्चुअली इट्स लाइक दिस, आप इनको अच्छाइयां और बुराइयां दोनों होती हैं, इट इज ऑन यू आप उसमें से कैसे अच्छाइयां निकालते हैं और आप क्या सीखते हैं उससे. तो मैंने बहुत कुछ सीखा है एंड आई दैट्स द रीजन आई एम सिटिंग हियर इन फ्रंट ऑफ यू नाउ. एक और क्वेश्चन भी है सदफ. अच्छा ये सैयद फैजान अहमद ही पूछ रहे हैं, सक्सेस विद स्मॉल ड्रीम शॉर्टकट्स गिव बूस्टर एट टाइम्स बट लाइफ कोच डजंट प्रमोट शॉर्टकट्स एट ऑल, व्हाट्स योर टेक ऑन इट. आई थिंक मैंने पहले इसका आंसर दे दिया है इन अ वे, बिकॉज शॉर्टकट तो वही वाली बात, शॉर्टकट ही होती है, वो थोड़ी देर के लिए आपको मजा देगी,
उसके बाद फिर आप यू गो बैक टू द सेम पोजीशन. सो रादर देन टेकिंग अप शॉर्टकट, आई वुड सजेस्ट टेक अ सीरियस जर्नी टू द राइट रोड. एंड ऑन अब देखिए मैं एक और मिसाल आपको देती हूँ फैजान, वो ये है कि आप हम कहते हैं ना सबर का फल मीठा होता है और आपको वेट करना पड़ता है. ठीक है, आप शॉर्टकट की बात कर रहे हैं तो अब जैसे हम पौधा लगाते हैं, ठीक है, बीज बोते हैं, अब हमें वेट करना पड़ता है कि निकले फिर उसमें से फल निकले. उस दौरान आप दूसरी चीज एक्सप्लोर कर सकते हैं. ठीक है, आपने सीईओ बनना है उसके लिए आपने ये पौधा लगा दिया है, आप उसके साथ दूसरी चीजें भी एक्सप्लोर कर सकते हैं. आपकी कुछ हैबिट्स, आपकी कुछ हॉबीज होंगी, कुछ चीजें होंगी जो आप पेंटिंग करना चाहते हैं या कोई किताब लिखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो आप उन चीजों बिल्कुल करें और साथ साथ लेके चले. Have some wild berries. Don't wait for those tree fruits all the time. तो wild berries जरूर खाएं आप और आप उसके साथ enjoy करें अपनी life को. Don't make it serious. It has all kind of ingredients in it. That's how it's balanced out. अगर आप एक ही चीज को लेके चलेंगे तो it's not balanced. It's not normal. And it's not success also. Let me tell you, this is not success कि जिसमें खुशियां भी ना हो, इंसान आपस के लोगों के साथ भी ना हो और इर्द गिर्द के माहौल को भी ना देखे और एक ही चीज को जैसे वो नहीं आपके वो जो घोड़े की गाड़ी है ना कि वो सामने ही देखे तो आप सामने ही देखे चले जा रहे, नहीं आप यू भी देखे और यू भी देखे और उस तरह से चले. सही, सही, तो हैव द वाइल्ड बेरीज एंड एंजॉय द एक्सप्लोरेशन ऑफ योर लाइफ. ठीक है ना, बिल्कुल. सही. अच्छा मरियम, ये जो कंसिस्टेंसी की आपने बात की तो ये जो पेशेंस है ये भी इटसेल्फ आर्ट है जो सीखना पड़ता है. बहुत सारे लोग सक्सेस की जर्नी पे चल तो जाते हैं बट ये जो पेशेंस, कमिटमेंट, कंसिस्टेंसी ये कैसे आ सकती है सक्सेस की जर्नी में, हाउ वी कैन यू नो अचीव दिस? यू नो कमिटमेंट, वही वाली बात, वही सारी बातें वही जो मैं भी कर रही हूँ. इट्स एक्चुअली बेसिकली नॉलेज है, एक इट्स अ नॉलेज हब. आप एक्सपीरियंस के साथ और एक्सपेरिमेंट के साथ, एक्चुअली एक्सपेरिमेंट के साथ यू लेट मी शेयर दिस विद यू. व्हेन आई Your question was commitment, right? How to stay focused on commitment? What did you ask? Yes. I asked ke hum jo ye commitment, commitment aur focused rehna hai, consistency hai, wo kaise achieve kar sakte hain in the process of journey, in the process of success? Because log nahi itni consistent hote hain, log shortcuts dhoondte hain, to kaise usko achieve kiya hum kare? इसमें पता है क्या है, वो मैंने बहुत सारी बातें तो आपको बोल ही दी हैं लेकिन वो आई वुड से कि इट्स अ जर्नी एंड फॉर दैट जर्नी हमें स्ट्रेस फ्री और इंजॉयबल रखना है इस जर्नी को और उसको फोकस करते भी. अनफॉर्चुनेटली आर कन्वेंशनल वे तो उसको डिफाइन करता है सक्सेस इज सिंपली अचीविंग द गोल बस लेकिन not enough emphasis on place in on value or experimenting. इसलिए मैं बार बार focus कर रही हूँ experiment पे. क्या हमें experiment करना चाहिए कि ये सोचना चाहिए कि focus हम इसी तरह से कर सकते हैं कि आप जो आप commit करने जा रहे हैं कि आपको लगता है कि it is made for you, that is exactly what you want to do in life or achieve that goal. So focus and commitment उससे आता है कि आपने पहले तो आपका फैसला ठीक है कि नहीं, मतलब वो पर्सन आप करना चाह रहे हैं वो ठीक है कि नहीं और उसके लिए आपने क्या चीजें, क्या होमवर्क किया है, आपने क्या चीजें रेडी की हैं, क्या चीजें आपके पास जैसे अब फॉर एग्जांपल मी बीइंग अ डिजाइनर व्हेन आई वेंट केम इनटू द फैशन इंडस्ट्री मुझे क्या क्या चीजें चाहिए थी. मुझे एक स्टूडियो चाहिए था, मुझे वर्क प्लेस चाहिए था, मैंने उस पर वर्क किया. फिर मुझे डिस्प्ले करना था क्योंकि मैं लोकल मार्केट में आई थी तो मुझे कहाँ पे एग्जीबिशन करना है, मुझे क्या, तो मैंने इसकी पूरी आई स्टार्टेड मेकिंग अ लिस्ट आउट हाउ मुझे कितना एक्सपेंडिचर करना होगा, क्या इन्वेस्टमेंट होगी, क्या चीजें होंगी, उसके उसका बाद की कहानी भी क्या होगी. तो आप कोई शॉप खोलने जाते हैं, आप कोई काम करने जाते हैं बिजनेस, आजकल तो जैसे आपको पता है ना एंटरप्रेन्योरशिप का एक दिस इज व्हाट इज हैपनिंग, दिस इज गोइंग टू बी द फ्यूचर. So do you have to plan everything out according to that?
So it is like step by step. Again, I'm saying the same things. It is step by step. Commitment उसी वक्त होगी जब आप fully focused होंगे और जब fully आप planned होंगे, you'll be all everything. You know what you are about to do and what you're going to be facing. और उसमें आपको ये भी prepare होना है कि इसमें आपको नुकसान भी हो सकता है. बिल्कुल. और मेरे ख्याल से मरियम इसमें ये भी होता है ना कि हम लोग में एक ये चीज बहुत खराब है कि हम लोग वो एंड रिजल्ट पे इतने फोकस कर रहे होते हैं कि हम वो जर्नी भूल जाते हैं उसके, हमें उसमें कितना होमवर्क करना है. वेरी ट्रू. बिल्कुल. इसमें ये जो बात मैं आपको कहने जा रही थी कि ये जर्नी को स्ट्रेस फ्री करना, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. यू नो व्हाई पीपल सेइंग कि वैल्यू द एक्सपीरियंसिंग एंड एंजॉयिंग द जर्नी बिल्डिंग कैरेक्टर. अब उसमें हर चीज आ जाती है, आपकी कैरेक्टर बिल्डिंग आ जाती है, आपकी लर्निंग लेसंस आ जाते हैं आपके. मतलब चलिए आपको मैं एक स्टोरी बताती हूँ. समझे कि आपको कोई वीडियो बना के आपकी दे दे जर्नी की, क्या आप वो लैडर चढ़ रहे हैं, स्टेयर चढ़ रहे हैं और आप उस लेवल पे पहुंच गए. ठीक है, आप उस वीडियो को देख रहे हैं और आप ये देख रहे हैं कि जी आपने उसमें क्या अटेन किया. मतलब आप खुद बैठ के देख रहे हैं अपना वीडियो, उसमें क्या होगा कि आपने यू सी योर सेल्फ अचीविंग ऑल योर गोल्स. ठीक है, और आपने वेल्थ भी, आपने अपनी वेल्थ भी बना ली. बट ड्यूरिंग द होल प्रोसेस, during the entire process, you also witness that how you were subjected, your body, your mind, spiritually, intense negativity and energy along the way. So, yani ki aapne usme kya kiya ki aapne in sab cheezon pe focus nahi kiya. Theek hai, aapki physical need pe, aapke emotional need pe, aapke spiritual need pe, aapne aapki energies are mostly negative, aapne uspe bhi wo nahi kiya. So not only were you unhappy in this whole process, जब आप देखते हैं अपने आप को most of the time, but you were able to see how you were outright refusal of allowing your joy. मतलब आप refuse कर देते कि मैं इस वक्त ना fun कर सकता हूँ, दोस्तों से मिल सकता हूँ, ना माँ बाप के पास time है, ना बहन भाइयों के लिए, क्योंकि आपने आज भी ये सवार कर लिए उस गोल तक पहुंचना है. तो आपने सारी चीजें छोड़ दी, which is not exactly. तो आप जब उस लेवल पे पहुंच गए ने क्या क्या खो दिया आपने, अपने सुकून को खो दिया आपने, फैमिली यू नो दैट कम फर्स्ट, इसकी सारी सबसे बड़ी बात है कि आपने अपना प्रेजेंट मोमेंट ही खो दिया. लाइक जिस मोमेंट को आप सबसे ज्यादा फोकस करना था वो मोमेंट आपने खत्म कर दिया. आप इतना आगे के लिए तो इस चीज का इन द प्रेजेंट वी स्टार्ट लिविंग इन द फ्यूचर. आप पास्ट को भी भूल जाते हैं, प्रेजेंट को भी, आप फ्यूचर में रहना शुरू कर देते हैं. फ्यूचर इज नॉट नाउ, नाउ इज एंड इसीलिए प्रेजेंट हमें हमें अपनी छोटी छोटी सक्सेस को सेलिब्रेट करना चाहिए रादर देन यू नो एमिंग टू हैव अ ह्यूज. एब्सोल्युटली स्टेप बेबी स्टेप लेने चाहिए एंड देन यू वी शुड प्रोसीड विद द आवर एम. ये एक सवाल आया है. अच्छा, ये एक मरियम्स क्वेश्चन आया है. इफ नो जनाब, आर यू टेकिंग इट या मैं बताऊं? ओके, मोहसिन अली का दोबारा से क्वेश्चन है. ही इज आस्किंग कि इफ 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 द सक्सेस इज अ प्रोसेस एंड इफ देयर इज नो एंड टू द प्रोसेस दैट हाउ वी नो दैट वी हैव अचीव्ड द सक्सेस. कैसे हमें हम इवैल्यूएट कर सकते हैं सक्सेस को, हाउ वी नो दैट वी हैव अचीव्ड द सक्सेस व्हेन इट्स ऑनगोइंग प्रोसेस. आप मुझे बताएं अगर अभी मौसम किसका, आम का चल रहा है, तो आप गाड़ी में बैठेंगे, आप शॉप पे जाएंगे और आम खरीदेंगे, फिर आप आके खा लेंगे तो आपको पता चल जाएगा आपने आम खा लिया है. यू आर सक्सेसफुल इन द होल प्रोसेस, दिस वाज द होल प्रोसेस. सो जब आपका कोई गोल है तो आपको तो पता चल जाना चाहिए कि मैंने अचीव कर लिया है. आई मीन नोबडी एल्स विल कम आउट एंड टेल यू कि मैं हाँ मोहसिन तुमने ये गोल कर लिया अचीव. तुमने जो सोचा था, तुम गाड़ी में बैठ के गए, तुमने शॉप पे जाके मैंगो खरीदा, तुम अंदर आए, काटा और उसको खूब मजे से खाया. एक प्रोसेस था, पूरा एक प्रोसेस था. तो ये आपको खुद अंदाजा हो जाता है जब आपके आपको मतलब यू शुड नो व्हाट योर गोल्स आर, व्हाट यू रियली वांट टू अचीव इन योर लाइफ. इफ यू वांट टू बी अ क्रिकेट प्लेयर, यू विल अचीव, यू विल नो. जब आप क्रिकेट खेलना शुरू कर देंगे लोकली इंटरनेशनली तो आपको पता चल जाएगा ना कि मैं एक अच्छा क्रिकेट प्लेयर बन गया हूँ. तो इट कम्स विद दिस, यू विल नो योर सेल्फ व्हाटएवर योर achievements are.
I hope I answered your question, Mohsin. Yes. Any other questions are there? Atiya Khan. Hello, Atiya Khan. उनका आया है कि बट ट्रू सक्सेस इज अ स्लो प्रोसेस, यू हैव टू टेक बेबी स्टेप्स रादर देन जंप, एंड व्हेन यू सक्सीडेड अस कभी अपना ही मजा है. उन्होंने बेसिकली आप ही की बात के ऊपर उन्होंने वो किया है कि बेबी स्टेप्स लेने चाहिए, तो शी कमेंटेड ऑन दैट. यू हैव टू टेक स्मॉल स्टेप एंड यू हैव टू क्लाइम द स्टेयर्स नॉट द एलिवेटर. दैट वाज द बिगनिंग वन. एलिवेटर तो छोड़ दे सब लोग जो हम लोग. हां एग्जैक्टली बिल्कुल. एक मैं आपको स्टडी शेयर करना चाहती हूँ इसी पे ही, जो मैं अभी हम बात कर रहे थे कि हम जब एंजॉय नहीं करते, तो एक स्टडी थी शोन दैट व्हेन पीपल आर एंजॉयिंग देमसेल्फ ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द सक्सेस ऑफ अ जर्नी व्हाट एवर दे आर ट्राइंग टू अचीव, दे आर मोर क्रिएटिव. ठीक है, दे आर मोर क्रिएटिव, मोर प्रोडक्टिव एंड एबल टू बाउंस बैक फास्टर फ्रॉम चैलेंजेस. ठीक है, एंड फाइंड सॉल्यूशंस टू देयर प्रॉब्लम a lot quicker. So see, this is done in US, which enjoy करेंगे तो आप creative भी होंगे, productive भी होंगे, और आप you'll be faster in taking up challenges and finding the proper solution for your problems while you have going towards your journey. So it is very important that you enjoy your journey towards the success, and that's also a process to how to be happy and how to achieve your success, being stressful and being happy and enjoying it. So isme hota hai, isme why wait for good times, wahi wali baat main aapki repeat kar rahi hu, why do we wait for the good time? This is we should, why not have it now, right? When we baat kar rahe the baby steps ki aur छोटी छोटी चीजों को एंजॉय करना चाहिए. आपकी एक छोटी सी, जैसे एक लॉन्ग जर्नी है, उसमें आप छोटे छोटे स्टेप लेते हैं तो छोटी छोटी आपकी अचीवमेंट भी तो होती है. जरूरी थोड़ी है कि आप सीओ तक पहुंचे तभी आप सेलिब्रेट करें एक बड़ी सी पार्टी दे के, ओ गॉड आई बिकम अ सीओ. नहीं, आप उस पूरे प्रोसेस में छोटे छोटे आपने बहुत सारी अचीवमेंट लिए और उसको सेलिब्रेट करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना के द लास्ट वन. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी शुड लिव. Rather than living in the future or the present, we should live in the past. We should live in the present, and we should celebrate those small little success you achieve. And actually, अपने वो back पे ना ये थप्पी दिया करे एक. Yeah, that's reward system होना चाहिए. खुद से pat on your shoulder. We need to do that exactly. Excellent job. You have done a great job and. Keep it up. ये बोलना बहुत जरूरी है, अपने ऊपर यकीन होना बहुत जरूरी है. आप दूसरों के बात पे ना चले कि अगर मुझे सदफ कहेगी कि मैं सक्सेसफुल हूं और मैं ये काम कर सकती हूँ तो मैं करूंगी, मैं खुद से मेरे अंदर कोई चीज नहीं है. आपके अंदर वो सलाहियत होनी चाहिए और आपको अपने आप पे बिलीव होना चाहिए कि मैं ये काम कर सकती हूँ या कर सकता हूँ और मैं कर लूंगा या कर लूंगी. इट वेरी इंपॉर्टेंट ट्रू टू योर सेल्फ एंड absolutely know yourself. Theek hai, so it is the point of I'm trying to make is happiness is maybe experience in the present and the moment of whatever it is you should trying to achieve right now. So there is absolutely no reason why you can't plan for the future, set goals, undergo your daily routines, deal with the unexpected things and still make conscious choices to enjoy yourself while doing so. It's very important. So, और focusing वाली बात ना जो पूछ रही थी, focusing वाली बात is by focusing on what you have rather than fixating. अब focusing है ना, हम focus के बजाय fix करने शुरू कर देते हैं चीजें. वो fix focus पहले करें फिर आप चीजों को fix. By being grateful सबसे पहली चीज है grateful, जो अभी मैंने बात की. अब आप हर चीज की छोटी छोटी चीजों के लिए हर चीज के लिए ग्रेटफुल जरूर हुआ करें. यू नो स्मॉल लिटिल थिंग्स लाइफ हैज गिवन यू रादर देन कर्सिंग. हम हर कर्सिंग पे लग जाते हैं ना कि है जो है उसका तो शुक्र करते नहीं है, जो मिल गया उसका भी शुक्र नहीं करते, जो नहीं है उसी के ऊपर कर्स करते रहते हैं, आए आए ये नहीं मिला ये नहीं हुआ. तो ये ना करें. बी थैंकफुल, बी ग्रेटफुल. अल्लाह ताला ने हमें अमेजिंग बनाया है और हम सब स्पेशल हैं और हमें हर वक्त हर छोटी चीज करना चाहिए.
और अपने स्पिरिट को हाई रखना। एब्सोल्युटली 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 वेरी वेल सेड मरियम, बहुत जबरदस्त आपने पॉइंट दिया। हसीना मुईन साहिबा का मैसेज आया हुआ है, वो भी ऐड कर रही है आपकी बात पे कि लव योर सेल्फ फर्स्ट देन लव अदर्स। एग्जैक्टली वी हैव टू स्टार्ट लविंग आवर सेल्फ, जो भी आपने बिल्कुल। अपने आप को लव करना बहुत जरूरी है, अपने आप को पैट करना बहुत जरूरी है, अपने ऊपर यकीन करना बहुत जरूरी है। अगर आप ये नहीं कर रहे तो आपको उस जर्नी पे अभी चढ़ना नहीं चाहिए। जब आप ये कर ले, खुद पे यकीन, खुद से मोहब्बत कर ले, कहा अल्लाह ताला ने हमें अमेजिंग मखलूक बनाया। अल्लाह ताला खुद कहते हैं कि आई हैव क्रिएटेड द, मतलब वी आर द परफेक्ट अमेज़। आपको कह दे कि हम सही नहीं है, हमें तो बिल्कुल हक भी नहीं है कहने का। तो अल्हम्दुलिल्लाह फॉर बीइंग अस, यू मी एंड अस, एंड वी शुड ऑलवेज से अल्हम्दुलिल्लाह फॉर दैट। सो गोइंग फर्दर, डू वी हैव एनी अदर क्वेश्चंस? यस वी हैव दिस क्वेश्चन फ्रॉम नवल अजीज। वो पूछ रही है कि व्हाट इज द बिगेस्ट फैक्टर दैट हैज हेल्प्ड यू टू बी सक्सेसफुल। This is a question from you. From? Maryam, can you hear question? us? Maryam, question ye hai ki what is the biggest factor that has helped you to be successful? That has helped me. Yeah. Being positive. Being grateful, being positive, being experimenting, बहुत सारी चीजें हैं। मुझे लगता है सबसे ज्यादा मेरे सक्सेस का राज यह है कि मैं पॉजिटिव हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं नुकसान में भी पॉजिटिव हूँ, मैं अच्छे होने पे भी पॉजिटिव हूँ, मैं हर चीज में कोई अच्छाइयाँ ढूंढने की कोशिश करती हूँ और उसका उससे फिर आगे बढ़ने की कोशिश करती हूँ। तो बीइंग पॉजिटिव इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे ख्याल से आप अपने फेलियर्स को भी लर्निंग प्रोसेस लेती होंगी कि फेलियर इज नॉट अ फेलियर, इट्स अ लर्निंग प्रोसेस। तो मेरे ख्याल से आपके लिए वो भी एक जर्नी है। बिल्कुल एग्जैक्टली, जो मैंने शुरू में कहा कि लोग जो है फेलियर को एक सदमा समझते हैं, सदमा नहीं समझे, इसको समझें कि अल्लाह ताला ने आपको एक मौका दिया है, इससे बहुत कुछ सीखता है इंसान। मैं आपको बताती हूँ शेयर माई एक्सपीरियंस और ऑफ फेलियर। मैंने जब जूते बनाने शुरू किए तो अक्सर यहाँ के डिजाइनर्स जो हैं वो बाहर से, सिंगापुर से, थाईलैंड से जूते बना रहे थे। मैंने सोचा कि नहीं, मैं लोकली बनाऊंगी और मैंने बड़ा इसमें इन्वेस्ट किया और मैंने डिजाइन किए, डिफरेंट डिफरेंट फैक्ट्रीज में गई, मैंने एक क्वालिटी की चीजें उठाई और फैक्ट्री में दिया, डिजाइन किया। आप यकीन करें, हमारे मसला ये है कि हम टैलेंटेड बहुत हैं, नो डाउट, पाकिस्तानी आर वेरी टैलेंटेड, बट द प्रॉब्लम देयर इज नो मतलब हम वो नहीं है, ईमानदार नहीं है अपने साथ। हम चीजों को हमेशा कोशिश करते हैं कि बस वही वाली जो बात है ना, वो शॉर्टकट वाली बात जो उसकी है ना, शॉर्टकट ले तो वो शॉर्टकट में हम मारे जाते हैं। तो मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ था कि उन्होंने क्या किया, मैंने उसको अच्छा वाला माल दिया, उसने क्या किया अपना खराब माल लगाया, अच्छा वाला हटा दिया। तो जब वो क्लाइंट के पास, मतलब मैं आपको ये लाइव शेयर कर रही हूँ, क्लाइंट के पास जो बेचारे वो सैंडल पहुंची तो उन्होंने जरा पहना तो उसकी हील बाहर आ गई। तो मैंने कहा ये कैसे हो सकता है, एक क्लास मटेरियल एंड क्लास एंड प्योर लेदर एंड एवरीथिंग। आप यकीन करें उस फैक्ट्री वाले ने मुझसे क्या कहा, अरे बीबी ये टूटेगी जूती तो वो दूसरी खरीदेगी ना। तो मैंने कहा ये तो सोचा ही नहीं, आपकी मेंटालिटी कहाँ है। मैंने उस आशक से कहा कि भाई मैं अपना सामान बाहर भेज रही हूँ तो पाकिस्तान का नाम खराब, तो मतलब मेरा तो छोड़ दो, पाकिस्तान का नाम खराब होगा कि पाकिस्तान से आ रही है। तो कह रहे नहीं नहीं जी छोड़ दे, सबके साथ ऐसा होता है। मैंने कहा अगर ऐसा होता तो ये जो बेचारे इतने बड़े बड़े डिजाइनर है, अरमानी, गुची और ये सब लोग, तो बेचारे वो क्या जूते बनाना छोड़ देंगे, वो तो डिजाइन बनाएंगे ना, वो तो चीजें बनाएंगे। तो हमारी सोच गलत है, बिल्कुल हमारी गलत है और हम हमें सोच बदलने की बहुत जरूरत है। तो हमें सोच बदलने की शॉर्टकट से परहेज करने की जरूरत है कि आप वही वाली बात, आप फॉरन यू यहाँ पहुंच जाए, अब उसको लगा कि ये टूटेगा तो वो और ऑर्डर आएंगे और बनेगा, तो उसकी सोच गलत थी, उसने ये नहीं सोचा कि आपका नाम खराब हो रहा है।
आपकी ब्रांडिंग खराब हो रही है, तो मैंने, आप सोचे, मैंने सारा अनफिनिश्ड माल सारा उससे उठा लिया था, तो मुझे बड़ा नुकसान हुआ था। लेकिन मैंने उससे सीखा कि मतलब हाउ टू डील विद दीस पीपल, हाउ टू गो अबाउट इट, यू नो, हाउ टू, हाँ वही वाली बात है, टैलेंट बहुत है लेकिन हम मेहनत नहीं करना चाहते, ट्रू, मेहनत से भागते हैं, तो हमारा मसला ये भी है ना। एक सवाल मेरे, मैं पूछना चाह रही हूँ मरियम, जो कि हमारे यहाँ स्पेशली आजकल मतलब होता है ना कि जैसे कोई आप बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे होते हैं, लाइक कोई भी चीज हम स्टार्ट कर रहे होते हैं, तो जो नेगेटिव थॉट्स आती हैं, लाइक अभी जो सिचुएशन चल रही है रिगार्डिंग उससे भी, तो एक तो वो लोग भी है ना जो अभी स्टार्ट करने के वर्ज पे हैं, कि बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट पे हैं, तो वो जो नेगेटिव थॉट्स होती हैं उनको किस तरीके से डील करना चाहिए, कुछ उस पे भी थोड़ा सा बताएं आप हमारे ऑडियंस को, उसको कैसे, मतलब ठीक है वो पॉजिटिव, वो हर किसी का ट्रेट, मतलब हर कोई इतना नहीं होता कि हालात की वजह से लोग डाउन हो जाते हैं, लाइक हम लोग होते हैं ना कि लाइक हाँ ठीक है हम पॉजिटिव मोटिवेटेड रहेंगे और इस तरह से, लेकिन कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा ठीक है, मैं आपसे जवाब देती हूँ। You know, getting rid of negative thoughts is to use your imagination. We can act it out. हर कोई एक्टर तो नहीं होता, लेकिन हर कोई एक्टिंग के जरा सीम रखता है। तो आपका जो ब्रेन है ना, it does what your brain tells you to do. ठीक है? जैसे मैं कभी अलार्म नहीं लगाती उठने के लिए। मैं सिर्फ I tell my brain, I need to get up at 4. I will get up. I did the same. Train your brain. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपके जो नेगेटिव थॉट्स है ना, उसको आप यूज करें इमेजिनेशन के लिए इनटू पॉजिटिव। व्हेन थिंग्स गो वेल, यू आर फुल ऑफ पॉजिटिव एनर्जी। उस पॉजिटिव एनर्जी को आप, जब आप नेगेटिव हो रहे होते हैं ना, तो सारी पॉजिटिव एनर्जी, जो पॉजिटिव थॉट्स हैं आपके, जो आप अच्छी चीजें करते रहे, उन पॉजिटिव एनर्जी को आप अपने इमेजिनेशन में ले जाए कि मैंने ये अचीव किया, ये किया, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह अब इस मकाम पे हूँ, या इस मकाम पे पहुंच गई हूँ, या पहुंच गया हूँ, और आई एम डूइंग वंडरफुली वेल। सी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन व्हेन यू आर एक्सपीरियंसिंग डिफिकल्टी, यू नीड टू बी इवन मोर एनर्जेटिक। आपको अपनी पॉजिटिव एनर्जी को और इस्तेमाल करना होता है, और आप उसको और भी एनर्जेटिक हो जाते हैं। तो आपको अपने जो सारी जो सिचुएशन है उसको रीनेम करना चाहिए। लाइक यू नो, if you keep on repeating I hate my work, for example, I hate my work, I hate my boss, true, so wo hateness badhti jati hai, you know, I'm talking words, really. So aap jab renaming the situation ko, and you stop saying that I get things like those words which evoke your negative thoughts, aap usko, it's a matter of imagination, so aap usko ye karenge, you can always find something to learn from the past, then it doesn't matter if you know, even from the worst boss or worst scenario, say is whatever world you've been, the boring job or anything, aap sirf ye kare ki aap bolna shuru kare ki ji, I'm grateful, I have a wonderful job, doesn't matter agar boss bhi aap bahut khadoos hai, लेकिन मैं अच्छा काम कर रही हूँ, अच्छा काम करना है, वेल इन माय थिंग, और मैं आई एम अचीविंग माय थिंग, व्हाटएवर द थिंग यार। तो और उसके बाद, और इसके लिए मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज बताती हूँ, एन एक्सरसाइज, आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। आई एम टेलिंग ऑल द ऑडियंस, आई एम टेलिंग यू, एंड आई एम टेलिंग ऑल द लिसनर्स, अ ग्रेट एक्सरसाइज फॉर यू, जस्ट फॉर 3 days ये एक्सपेरिमेंट करेगा, जस्ट फॉर 3 days थिंक एंड से पॉजिटिव थिंग्स ओनली, चाहे आप बहुत ही डिप्रेस फीलिंग कर रहे हैं जो भी, लेकिन 3 दिन तक लगातार आप सोचे और अच्छी बातें, पॉजिटिव बातें बोलना शुरू करें, थिंग्स ओनली, सी व्हाट हैपेंस, यू विल सी द चेंज योरसेल्फ, यू विल फील दैट पॉजिटिव एनर्जी कमिंग बैक टू यू, यू विल फील that you are grateful and you are in a good position. Kyunki acha maine, I have practiced to shift my mind. I can shift my mind from one situation to another. If I'm feeling low, I quickly start imagination ki maine, oh at this moment I was doing this, oh that amazing thought. So
ट्राई टू लर्न टू शिफ्ट योर नेगेटिविटी टू पॉजिटिविटी और ये एक्सरसाइज जरूर करें 3 दिन तक थिंक एंड से पॉजिटिव थिंग एंड यू सी व्हाट हैपेंस बिल्कुल बिल्कुल सही वेल सेट क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है स्पेशली टाइम लाइक दी जब हम लोग इतने सारे लोग इतने नेगेटिव और डिप्रेस्ड हुए हैं तो उसमें तो ये एक्सरसाइज हमें रेगुलर बेसिस पे करनी चाहिए लाइक एवरी डे बिल्कुल इसको रोज डेली या एंड हमारे पास एक क्वेश्चन भी आया है ब्रीदिंग एक्सरसाइज हर रोज दिन में 2-3 दफा ब्रीदिंग एक्सरसाइज जरूर किया करें इट इज इट्स वेरी गुड फॉर योर ब्रेन इट इज वेरी गुड फॉर योर बॉडी इट रिलीजेस योर स्ट्रेस एंड इट एक्चुअली गिव्स यू पॉजिटिविटी तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज मेडिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट डू दैट एज वेल एवरी डे डेली आप अपना रूटीन बना लें एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट आजकल हम सब घर में बैठे हुए हैं सोशल डिस्टेंसिंग है जब से पैंडेमिक शुरू हुआ है एक्सरसाइज जरूर करें थोड़ी देर के लिए घर में थोड़ा सा जल कर लें वॉक कर लें कोई ऐसी चीज कर लें कोई एक्सरसाइज कर लें कोई योगा कर लें इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टे हेल्दी थिंक पॉजिटिव एंड हेल्दी सो दैट्स अ होल अगेन दिस इज ऑल प्रोसेस यू नीड टू प्लान इट आउट यू नीड टू ट्रेन योर ब्रेन सो दैट द ब्रेन टेल्स योर बॉडी द सेम फॉर यू ठीक है ना अच्छा अब मरियम हमारे पास एक क्वेश्चन भी है लेकिन इस क्वेश्चन को लेने से पहले मैं आपसे एक चीज पूछना चाह रही हूँ कि इस पूरे प्रोसेस के अंदर हम अपने ब्रेन को भी ट्रेन कर लेते हैं सब कुछ कर लेते हैं बट ये जो डिस्ट्रैक्शन है हमारे सराउंडिंग में जो लोग हैं जो हमें नेगेटिव पंपिंग करते हैं कि तुमसे नहीं होगा ये क्या कर रहे हो उनके लिए सक्सेस कुछ और होता है हमारे लिए सक्सेस कुछ और होता है तो वो हम कैसे वेव लेंथ को या उनकी उनकी लाइन पे आके उनको समझा सकें या ये जो डिस्ट्रैक्शंस हैं उसको ओवरकम कर सकते हैं असल में डिस्ट्रैक्शन बहुत सारे हैं बहुत किस्म के होते हैं आजकल तो मुझे लगता है डिजिटल प्रेशर बहुत है लोगों पे एग्जैक्टली एकदम वर्चुअल जब हो गए डिजिटल प्रेशर बहुत है और मुझे लगता है डिजिटल प्रेशर जो आपको कमिटमेंट कमिटेड नहीं रहने देता आपको एक्सपेरिमेंट नहीं करने देता एंड आई फील कि दिस एक्चुअली वेस्ट्स योर टाइम दैट्स व्हाट आई थिंक दिस इज माय थॉट बट इट इज एक्चुअली विद द स्टडीज आल्सो इट्स यही है कि अगर आप जैसे मेमोरी आई हैव डन अ मेमोरी शॉर्ट कोर्स उसमें ये था कि सबसे पहले और सबसे आखिरी चीज मोबाइल को ना देखें ठीक है सोने से पहले और उठने के बाद आप सोचे और उठने के बाद सबसे पहले हम मोबाइल देखते हैं तो हमारी जिंदगी में कुछ भी नहीं है तो आपकी सबसे मेजर डिस्ट्रैक्शन क्या है मोबाइल तो यू नो हमें बहुत जरूरत है कि फोकसिंग के लिए चैलेंजिंग चैलेंजेस और मीनिंगफुल प्रोजेक्ट करने के लिए आपको ये जो डिस्ट्रैक्शंस हैं इनको हटाना पड़ेगा अपनी जिंदगी से विच इज वेरी इंपॉर्टेंट आई विल गिव यू फ्यू सजेशंस ऑन दैट दैट इज लाइक स्टॉप डिजिटल प्रेशर्स फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सबसे पहले सुबह उठ के फोन ना यूज करें कुछ नहीं होता हम प्रेसिडेंट नहीं है प्राइम मिनिस्टर नहीं है जिंदगी खत्म नहीं होती दुनिया इधर से उधर नहीं कोशिश करें प्रैक्टिस करें कि सुबह उठने के बाद कम अज कम 1 घंटा आप ना बनाएं आपको पता है मैंने जिससे ट्रेनिंग जिससे मैं कोर्स कर रही थी आई एम सो सॉरी अभी मेरे दिमाग से एरिक नाम है ही इज अ वेरी फेमस मेमोरी कोच एंड बहुत सारे बड़े बड़े पॉलिटिशियंस सेलिब्रिटीज और सबको उन्होंने उन्होंने कहा ये कि सब एक तो ये कि सबसे पहले आप जब उठें तो आप फोन ना देखें अपना और क्या करें सबसे पहले अपना बिस्तर बनाएं डिसिप्लिन आप सबसे पहले अपना फिक्स योर बेड देन वॉश अप एंड देन हैव सम फ्रूट्स एंड रीड अ बुक दिस वाज हिज फर्स्ट थिंग दैट इज फॉर द मेमोरी आप सोचे इट्स सच अ ब्यूटीफुल हैबिट टू डू लेकिन हम क्या करते हैं हम उठने के बाद हम 2 घंटे फोन पे रहते हैं उसके बाद हम बिस्तर से उतरते हैं उसके बाद हम वॉशअप करते हैं या जो भी करते हैं नाश्ते के टेबल पे भी आई डू नॉट लाइक on the dinner table, lunch table or breakfast table. I don't allow. We don't use it. खाने पे भी आप सोचें
इतने बुरे इसके वाइब्स होते हैं, इसकी जो इट्स बैड फॉर योर हेल्थ, इट्स बैड फॉर द फूड यूर ईटिंग, उसमें भी चल रहा है. तो ये तो बिल्कुल अलाउ करना चाहिए कि आपके खाने के टेबल पे किसी वक्त भी फोन हो. तो ये सब कुछ चीजें हैं जो आपको, ये प्रेशर्स हैं. आई मीन हम लोग, मैंने ऐसे भी लोगों से मिली हूँ जो कहते हैं कि व्हाट्सएप नहीं देखा तो उनका, उनको कुछ हो रहा है. हम जब व्हाट्सएप का सर्वर डाउन होता है, ग्लोबली व्हाट्सएप डाउन होता है, तो लोग कितने परेशान हो जाते हैं, एक दूसरे को मैसेज करके पूछ रहे होते हैं कि व्हाट्सएप चल रहा है तुम्हारा या मेरे साथ ही व्हाट्सएप में मसला है. सो वी आर सो एडिक्टेड टू दिस. इज अ प्रेशर आपने अपने ऊपर, ये प्रेशर खुद बिल्ड किया है. अगर आप सोचें कि किसी और ने आपको नहीं दिया, किसी ने आपसे नहीं कहा कि आप व्हाट्सएप एडिक्टेड हो जाए. और आप यकीन करें, कोई भी चीज जो जुनून के हद तक आप करना शुरू करते हैं, इट्स एडिक्शन. एंड एनी एडिक्शन इज रॉन्ग, इट्स बैड, इट्स बैंड, इट्स हराम. मतलब अल्लाह ताला ने कहा है ना कि एडिक्शन इज हराम, तो वो इसलिए है कि आप सोचिए, मोबाइल जो नहीं छोड़ सकता वो एडिक्टेड है. तो एडिक्शन इज अ बैड थिंग. तो आप कोशिश करिए इन चीजों से आप दूर रहें कुछ टाइम के लिए, थोड़ा सा. अगर बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है तो जस्ट, आप यकीन करें, मैं रोजाना सोने से पहले अपने फोन को एरोप्लेन मोड पे लगा देती हूँ. सदफ, हमारे पास कुछ क्वेश्चन है. वी आर ऑलमोस्ट, यू नो, इट्स बीन लाइक 50 मिनट्स हम अपने सेशन को लेके चलें. सो रैप अप करते हैं सेशन को. और पॉइंटर्स दे देती हूँ. गिव योरसेल्फ फ्रीक्वेंट ब्रेक्स की बहुत जरूरत है. आप अपने आप को 24/7, डोंट मेक अ मशीन आउट ऑफ योरसेल्फ. ब्रेक्स आर नीडेड. माइंड और बॉडी दोनों को अल्लाह ताला ने ऐसे डिजाइन किया कि आपको ब्रेक होता है जब भी अल्लाह ताला ने रात सोने के लिए दिया है. तो प्लीज टेक ब्रेक्स, हेल्थी ब्रेक्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. माइंड योर फिजिकल हेल्थ, वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, एक्सरसाइज, प्लेंटी स्लीप, हेल्थी ईटिंग, दीज आर अ पार्ट ऑफ इट. अगेन, टर्न ऑफ स्मार्टफोन नोटिफिकेशंस, प्लीज कीप इट अवे. And don't use the mobile phone constantly. अच्छा, उसके बाद आप eliminate and minimize negative people in your life. बिल्कुल. अभी जो आपने सदफ में पूछा था कि कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको हमेशा, तो मैं इस पॉइंट पे आ रही थी कि आपको नेगेटिव थॉट्स देते हैं कि नहीं तुम तो ये कुछ नहीं जिंदगी में, ये तो तुमसे होगा ही नहीं, और तुम तो बेकार हो. आप ऐसे लोगों को के साथ ना मिले, क्योंकि इसका मतलब है कि दे डोंट वांट टू सी यू अचीव योर गोल्स. ऐसे लोग आपके दोस्त नहीं है. ठीक है, बिल्कुल. हाँ, वो लोग जो आपको समझा रहे हैं कि मे बी दिस इज नॉट द राइट थिंग फॉर यू, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर. बोलने का तरीका अलग होता है. अगर कोई ऐसे बोल रहा है कि ये तुम तो ये फजूल है, तुम तो कभी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकोगे, दैट इज नेगेटिविटी. बट कोई अगर शख्स आपको पॉजिटिवली ये कह रहा है कि मे बी यू शुड ट्राई समथिंग एल्स, मे बी दिस इज नॉट योर थिंग, यू शुड ट्राई समथिंग, दैट इज योर ट्रू फ्रेंड. सो स्टिक अराउंड विद पॉजिटिव पीपल इन योर लाइफ एंड हु कैन हेल्प यू आउट. अडॉप्ट हेल्दी हैबिट्स एंड चूज पॉजिटिव पीपल अराउंड यू. एंड एक और चीज भी है कि डोंट बी टू नाइस टू योर सेल्फ. मैंने सदफ से मैं इस पॉइंट पे आ रही थी खत्म करने से पहले, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है. क्योंकि वी नीड टू, मतलब मुझे लगता है कि जब तक हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते ना, तो वो हम एक्सप्लोर नहीं कर सकते. वो चैलेंज करना अपने आप को और कंफर्ट जोन से निकलना, इट बहुत जरूरी है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट. तो आप अपने, मैं ये बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज है, क्योंकि हम अक्सर क्या करते हैं कि हम अपने कंफर्ट जोन से निकलना ही नहीं चाहते. हम चाहते हैं कि हर चीज हमें बैठे बैठे मिल जाए और हर चीज मिल जाए, हमारे हमारे उस सर्कल में जैसे हम हैं वैसे ही हो जाए. ऐसा नहीं होता, ऐसा होना तो मिल जाए. एलिवेटर पे हम जाना चाह रहे हैं शॉर्टकट, बिल्कुल वही. तो मोटिवेशन मींस एक्शन एंड एक्शन मींस ब्रिंग्स रिजल्ट. ठीक है, समटाइम्स योर एक्शन ऑल फेल्स टू ब्रिंग द रिजल्ट. ठीक है, results you want, so you prefer to be nice to yourself. जैसे आपने सोचा कि अच्छा ये नहीं हुआ, तो आप कहते नहीं 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 अच्छा नहीं ठीक है कोई, तो आप अपने आप को जो है ना वो थप्पी दें उस वक्त जब जरूरत है.
हर वक्त इतना नाइस बन जाए कि जी अच्छा, फिर आप कोशिश ही नहीं कर रहे उस कंफर्ट जोन से निकल के, एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश नहीं कर रहे, ये ना करें. एंड पुट योर सेल्फ इन अ, ट्राई टू पुट योर सेल्फ इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन. आप यकीन करें उससे आप बहुत कुछ सीखते हैं. बिल्कुल, हमेशा एक अच्छे मोड में रहने से, हर वक्त कांट बी इन अ प्रॉपर परफेक्ट मोड ऑल द टाइम. डिफिकल्ट सिचुएशन चैलेंजेस मेक यू परफेक्ट, आई मीन इट मेक्स यू लर्न लॉट ऑफ थिंग्स. तो पुट योर सेल्फ इन डिफिकल्ट पोजिशन, डिफिकल्ट सिचुएशन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. यू वेट फॉर परफेक्ट टाइमिंग, डोंट वेट फॉर द परफेक्ट टाइमिंग. ठीक है, फॉर एन अपॉर्चुनिटी व्हाइल यू ड्राइव योर सेल्फ इन टू दिस स्टैग्नेशन. अब वही वाली बात है, जब वही मैंने बोला स्टैग्नेशन हुआ है ना, जो आप एक ही ट्रांस में बैठे हुए हैं कि आप बस खुद ही कुछ से हो जाए, कोई आके ट्रे में रख के दे दे, और ऐसी चीजें नहीं होती हैं. वही बात है ना कि गेट आउट देयर, चैलेंज योरसेल्फ व्हाइल स्टेपिंग आउटसाइड विद योर कंफर्ट. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप अनकंफर्टेबल हो रहे हैं, दैट्स ग्रेट, आप सीख रहे हैं. ठीक है, तो मतलब है कि आप आगे बढ़ रहे हैं, दैट मींस कि आप आगे बढ़ रहे हैं. इवन यू आर अफ्रेड ऑफ डूइंग एंड टेकिंग चांसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट. व्हेन यू टेक चांसेस विद अल्लाहस हेल्प, यू आर गोइंग टू सक्सीड इंशाल्लाह. यस, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह. वेल सेड. अच्छा सदा, हमारे पास दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो आप इट्स बहुत मरियम, कुछ क्वेश्चन? बिल्कुल, यस यस. अच्छा जी मरियम, हमारे पास एक क्वेश्चन है. इफ यू कुड स्टार्ट ऑल ओवर अगेन, व्हाट वुड यू डू डिफरेंटली? आई वुड स्टार्ट एज अ काउंसलर एंड अ लाइफ कोच इफ आई हैड टू स्टार्ट अगेन, बिकॉज आई थिंक इट हैज गिवन मी अ अमेजिंग पर्पस ऑफ लाइफ. आई फील दैट हेल्पिंग achieve their goals or helping them out coming out of the depression and anxiety is the most beautiful feeling I have. So I think if someone would ask me to ke agar aap dobara se kuch karna chahte hain dobara se kaise, to I would start being a counselor and a life coach. Theek hai, mere khayal se Sadaf ka shayad kuch technical issue aa gaya. Ek aur question hai hamare paas Maryam Aziz Ahmed ka. He's asking if you are doing anything just like climbing stairs to rise, the process itself is a challenge to gain strength in every step you take towards achieving your goal. The struggle you do is a prerequisite to your success, which is constantly increasing with your business. Mere khayal se he has this comment, aap jab wo conversation kar rahi thi to usse related inka hi comment hai. Achha, then we have another question from Nida. निदा कह रही हैं कि मरियम, व्हाट एडवाइस वुड यू गिव अ पॉजिटिव पर्सन हु इज सराउंडेड बाय पेसिमिस्ट और इज फोर्स्ड टू इंटरैक्ट विद नेगेटिव पीपल इन अ वर्क एनवायरनमेंट? कैसे कट ऑफ करें नेगेटिव लोगों को जबकि वो इंटीग्रल पार्ट हो आपकी डेली लाइफ का? यही बात मैंने आपसे अभी इससे पहले कुछ देर पहले डिस्कस किया था, टू लर्न हाउ टू your mind, imagination. It will help you. I know that aajkal bhi waise bhi being in the pandemic, everybody at home, bahut zyada domestic violence has arise. It is a very sad situation, but again, practice and dua. Right. It helps me a lot. अच्छा, एक और कमेंट है. जी जी. And connect with someone who is positive. अगर कोई ऐसी चीज है जो आपको बॉदर कर रही है, we have counselor, I'm a well-being life coach, you can contact us, you can come to me, we can help you out in many things. बार दफा ये होता है कि आपको पता होता है लेकिन आप उस चीज से नहीं निकल सक रहे होते हैं, आपको चीजें सब पता होती है. तो ऐसा कोई होता है जैसे कोई काउंसलर, कोई अच्छा दोस्त भी एक काउंसलर हो सकता है जो आपको उस सिचुएशन से निकालता है. You need to have those kind of people around you. Find those people and get out of the situation you are. And inshallah, aur duaon mein bahut taqat hoti hai. Pray for yourself that things around you are better, inshallah ta'ala. I will pray for you. एक और कमेंट है जावेद शगुफ्ता का, वो कह रही हैं सक्सेस का मजा ही अपने आप को मनवाने में है.
टेक द नेगेटिविटी अराउंड यू टू एक्सप्लोर द बेस्ट इन यू. सो नेगेटिविटी को पॉजिटिव वे में आप यूज कर सकते हैं. जबरदस्त, ठीक है. देन वी हैव, बात भी हम शेयर कर चुके हैं, ये भी हम बता चुके हैं कि यस, नेगेटिव को पॉजिटिवली आप उसमें से कुछ अच्छा निकालें और उसको यूज करें अपने लिए. दैट्स ग्रेट, यू गॉट अ राइट. बिल्कुल. इरम शाइन कह रही है वेरी ब्यूटीफुल सेशन. देन वी हैव बिनते हनीफ, वेरी मोटिवेशनल सेशन, इट वॉज गुड टू हेयर यू मिस मरियम. देन वी हैव तस्नीम अजमीर, डूइंग वेरी नाइस. अच्छा मरियम, यहाँ पर हम अपने सेशन को एंड करेंगे. अगर और जो हमारे व्यूअर्स हैं, अगर उनके क्वेश्चन हैं, श्योर, हमारे व्यूअर्स हैं, अगर उनके कोई क्वेश्चंस हैं जो कि अभी आंसर नहीं हो सके, या आप लोग बाद में ये सेशन देखें, तो आप लोग कमेंट्स के थ्रू हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं और हम फिर मरियम से कनेक्ट करके आपको उनके आंसर्स दे देंगे. बिल्कुल. सो सदफ, वेलकम बैक. Bilkul, bilkul, definitely. I'm always there. I'm all for you out there. Any kind of help, any kind of suggestion, advice, I'm there for you. And main acha dusra ek aur ek chota sa message before we close down the session. Bahut se logon ne pucha ki kis tarah se aap कर सकते हैं या किस तरह से निकल सकते हैं. फजर का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अल्लाह ताला ने उसको आपके रिस्क के लिए लिखा है. तो आपके रिस्क में बरकत और आपके गोल्स में अचीवमेंट और आपकी जो ये खूबसूरती है वो आपकी ब्यूटी को एनहांस करने के लिए, चाहे वो मर्द हो औरत हो, और आपके रिस्क को बढ़ाने के लिए, बरकत के लिए फजर मत मिस किया करें. द बेस्ट टाइम टू रीड फजर एंड रीड कुरान, द बेस्ट, इट्स कॉल्ड द अफजल टाइम फॉर रीडिंग कुरान. इसका डेली जरूर करें बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. इट गिव्स बरकत इन योर वर्क, इन योर टाइम, इन योर रिस्क, इन योर लाइफ. So use that to reach that goal of yours, to reach that success of yours. जबरदस्त मरियम, आपने एंडिंग नोट करके तो सारी बातें खत्म कर दी. जी सदफ, आपने दोबारा से, तो प्लीज एंडिंग नोट आपकी तरफ से, एंड देन वी विल एंड एंडिंग नोट. बस अब जो मरियम ने बोला वो इतना जबरदस्त बोला है कि उसके बाद मेरा एंडिंग नोट कुछ मायने नहीं रखता. लेकिन स्टिल बस मैं ये कहना चाहूंगी कि शॉर्टकट्स को छोड़ दें. सक्सेस जो है वो इस तरह से कि खुद सक्सेस हमारे पास नहीं आती, हमें सक्सेस तक चल के जाना होता है. और वो जो जर्नी है उसको एंजॉय करना और बहुत ज़रूरी है, उसके साथ सब चीज़ें बैलेंस करके चलना, और वो बहुत इम्पॉर्टेंट है. एंड मतलब आप अपने आप को चैलेंज करेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि आप कितने आप कैपेबल हैं, कहाँ आप क्या क्या कर सकते हैं, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं. तो मरियम ने बाकी तो इतने अमेजिंग तरीके से सारी चीज़ से बताई हैं, लेकिन मैं बस सिर्फ यही बोलूंगी एंड में कि एवरीथिंग स्टार्ट्स एंड बिगिंस विद यू. तो आप स्टार्ट करें, पहला स्टेप उठाएं, बेबी स्टेप्स लें, और वो बेबी स्टेप्स लेते हुए हर स्टेप पे बहुत खुश हों और टैप करें अपने आप को और कहें कि वेल डन. तो मैं बस यही बोलूंगी. बाकी अब ओवर टू यू ज़ैनब, आप प्लीज. जबरदस्त जबरदस्त एंडिंग नोट, मेरे ख्याल से आप दोनों ने इतनी वाली बात है. लव योरसेल्फ, बी यू टू लव योरसेल्फ, एब्सोल्युटली जबरदस्त. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच मरियम, इट्स अ प्लेजर हैविंग यू, और बहुत मजा आया. और एक घंटा, इट्स एन ऑनर फॉर अस टू हैव यू. Yes. बिल्कुल, बहुत अमेजिंग सेशन और बहुत इंटरेक्टिव. I want to say this कि I'm really an honor to be here, और I hope this session sorry I didn't hear. I was सभी साथ बोल रहे थे. अच्छा, मैं ये सिर्फ कहना चाह रही हूँ कि आई होप लॉट ऑफ पीपल हैव बेनिफिटेड फ्रॉम दिस. अल्लाह ताला सबके मुश्किल आसान करे और हम सबको एक दूसरे के लिए हेल्प करने. और एक चीज याद रखें, अल्लाह ताला ने अगर आपके लिए सक्सेस लिखा है तो आपको मिलेगा दूसरों से शेयर करने से, या उससे आपकी कोई चीज में कमी नहीं आती. हमें एक ये भी प्रॉब्लम है कि हम सोचते हैं कि जी हर चीज को अपने पास रख लें बंद और ना बताएं दूसरों को, क्योंकि वो आगे बढ़ जाएगा. तो आप ये आपका जो रिस्क है अल्लाह ताला ने आपको लिए रखा है, और जहां तक आपने पहुंचना है वो मिलेगा आपको. आप ये मत सोचें कि जी आप रुक जाएंगे. शेयर विद पीपल एंड बिलीव इन योरसेल्फ, बी स्ट्रांग. ठीक है, चलिए मरियम, थैंक यू सो मच. मुझे लग रहा है कि अब हम एक और सेशन
करना पड़ेगा मरियम के साथ, और बहुत जबरदस्त इंटरेक्ट टॉपिक के साथ, और एक और सेशन कर मरियम के साथ ठीक है. चले जी मरियम, थैंक यू सो मच. ओके जी, अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज एवरीवन. वालेकुम अस्सलाम.